तो ये है मेरा YouTube चैनल जहाँ पर मैं अभी के टाइम पे Minecraft की हार्डकोर वाली वीडियो डालता हूँ। लेकिन Minecraft की शुरुआत की थी मैंने अपने एक सर्वाइवल वर्ल्ड से जो कि है 2 साल पुराना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड की, जिसकी शुरुआत हुई थी 13 नवंबर 2020 को। ऑलमोस्ट 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और ये वही दिन था जिस दिन से मैंने Minecraft खेलना शुरू किया था, जब मैं Minecraft कुछ ऐसे खेला करता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ना चालू कर देते हैं क्योंकि यार हमें इसे टूल्स बनानी है, पिकैक्स वगैरह बनानी है, एक्स बनानी है, स्वॉर्ड बनानी है, क्योंकि यार अभी शुरुआत में हमारे पास इतने बड़े टूल्स नहीं है कि हम यार ज़ॉम्बीज़ वगैरह से फाइट कर पाए, तो हम यहाँ पे यार लकड़ियाँ तोड़ते हैं। और ये मेरे YouTube चैनल का पहला वर्ल्ड था जिसका मैंने नाम रखा था अपना वर्ल्ड, जिसपे मैंने काफी सारे एपिसोड्स बनाए जहाँ पर मैंने Minecraft खेलना सीखा, एंडर ड्रैगन को भी मारा। पर 37 एपिसोड में इलाइट्रा लेने के बाद डोरेमोन की तरह उड़ते उड़ते पता नहीं क्यों मैंने इस वर्ल्ड को अलविदा बोल दिया। इस वर्ल्ड में दोबारा खेलना कभी हुआ नहीं। हालांकि मैंने एक एपिसोड और बनाया था, 38 एपिसोड, बट उसके बाद मैं दोबारा इस वर्ल्ड में आया नहीं। और आज मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ वो तो तुम टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ चुके होंगे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। भाई कितने सालों बाद आऊं भाई मैं इस वर्ल्ड में, भाई अलग ही फीलिंग है। मैं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया, 2 साल बाद भी ऐसे परफेक्ट टाइम पे आया हूँ कि एक्सपी भी एकदम मस्त हो रखी है। भाई ये मेरा पहला वर्ल्ड है जिसने मुझे Minecraft खेलना सिखाया, भाई मैं उस वर्ल्ड में आ गया। सही में भाई क्या ही फीलिंग है। और इसमें हाँ ये मेरा पोलर बियर का घर है भाई, लास्ट बार देख रहा हूँ पर क्या यार। तो ये तो था मेरा पोलर बियर का घर जो मैं मतलब ये ना जितने भी स्ट्रक्चर इस वर्ल्ड में बने हुए हैं ना, ये मैंने शायद वो ट्री हाउस पीछे दिख रहा है ना वो बाद में दिखाऊंगा, तो मैं उसको छोड़कर मोस्टली यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई है ना वो सारी मैंने मतलब अपने खुद के आइडिया से बनाई है, कहीं से कुछ भी नहीं टेपा है। बाकी पहले मैं कुछ ज्यादा ही नूब था, देख रहे हो मेरे आर्मर पर क्या एन्चेंटमेंट लगी हुई है भाई, ये तो घटिया एन्चेंटमेंट भाई, इतना गंदा। हाँ ये क्रिसमस ट्री भी बनाया था भाई, ये भी टेप के बनाया था। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मैंने खुद से बनाई है, इसको मैं अभी चला के नहीं दिखा रहा वरना थोड़ा बहुत लैग वगैरह कर सकता है। लैग तो नहीं करेगा पर छोड़ो, चलो बाद में दिखा देंगे तुम्हें, कभी पुरानी वीडियो देख लेना तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी ये था मेरा पांडा आइलैंड जहां पर मैंने अपने पांडास के लिए एकदम सुंदर से एकदम प्यारा वाला भाई पांडा वो आइलैंड बनाया था मस्त सा। यहां पर मुझे ब्राउन पांडा मिला था जब मैं शायद ये वाला वर्ल्ड जब खेलता था, यहां पर मतलब रेयर होता है जैसे बोलते थे कि ब्राउन पांडा बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, पर पता नहीं कैसे मुझे तो सबसे पहले जो पांडा मिले थे भाई ब्राउन ही मिले थे, बाकी जितने भी मैं दूसरे तीसरे लाता हूं तो ब्लैक ही मिले थे। बाकी यहां पे तो मैंने काफी सारे पांडास बना रखे हैं। बाकी मेन साइड चलते हैं जो कि है मेरा घर। यहाँ पर मैंने जो 3 बिल्डिंग्स बना रखी है ना, ये मेरा घर था, मैं तुम्हें इसके भी दर्शन कराऊंगा एक आखिरी बार, यार इनके भी दर्शन कर लेते हैं। बाकी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तो तुम्हें आगे पता लगेगा ही। भाई देख रहे हो मैं कितना बड़ा नूब था, पहले की डिजाइनिंग क्या बना रखी है इतनी घटिया। और भाई यहाँ पर मेरी चेस्ट में सामान भी है, और हाँ इस वर्ल्ड में भी ना मुझे पिक स्ट्रैप वाली बुक भी मिली थी, जैसे ये देखो ये थी ना पिक स्ट्रैप, ये ना मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा रेयर होती जब मैंने इसको कलेक्ट किया था। बाकी मैंने शायद किसी के कमेंट में ही पढ़ा था कि ये तुम्हें पिक स्ट्रैप मिली है, बहुत कम चांस होते हैं। बाकी भाई हर वर्ल्ड में मिल जाती है, मेरे को पता नहीं कैसे ज्यादा रेयर होती है कि नहीं होती। बाकी भाई इतने सारे डायमंड वगैरह है मेरे पास, लेकिन ये सब बर्बाद होने वाला है भाई। इस वर्ल्ड में भी मैं किसी अंबानी से कम नहीं हूँ भाई, ट्राइडेंट है, गोल्ड है, डायमंड भाई इतना सारा सामान है, पर मैं इस वर्ल्ड के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार पता नहीं। बाकी इस वर्ल्ड को उड़ाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ TNT का, जो कि मैं एकदम खुद से TNT बनाने वाला हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं TNT कैनन या फिर TNT डुपर बना के सबको उड़ा दूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। और बाकी मेरे पास यहाँ पे ढेर सारा गन पाउडर भी था, और TNT भी काफी इजीली बन जाएंगे। बाकी मैं तुम्हें सबसे पहले एक बार अपने पूरे वर्ल्ड का ऊपर से व्यू दिखाता हूँ जो कि आखिरी बार होने वाला है। मगर क्यों, मेरी मर्जी अनवर भाई। बाकी भाई इस वर्ल्ड के साथ भाई अलग ही फीलिंग जुड़ी हुई है, पर यार मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ऐसा यार, क्या करें यार, अब करना पड़ता है, मजबूरी है। बाकी यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ। ये क्या हो गया, क्या करें यार, अब करना पड़ता है, मजबूरी है। बाकी यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ। भाई ये क्या कर दिया, ओ भाई, अबे भाई मैं सही में भाई वहां पे रुकता नहीं तो भाई यहाँ पे मतलब ये वाले गेट से भी मैं आगे निकल जाता यार, क्या ही एंट्री ली है। बाकी जो लोग ये कमेंट में लिख रहे हैं कि तुक्का था, यार ऐसा नहीं है यार, तुम गलत समझते हो हमेशा। चल तुक्का नहीं था तो एक और बात तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई, तुम्हारा भाई इस बार भी कर दे।
खैर छोड़ो, चलो किसी ने कुछ नहीं देखा, कट कर देना प्लीज इसे। और बाकी ये हमारे अंकल जी का घर है जिसमें मैंने कुछ ज्यादा ही विलेजेस रख रखे हैं, काफी मस्त बनाया था ये भी, पता नहीं कैसी डिजाइन में बनाता था, इतना घटिया लग रहा है वो, पहले लगता था कितना मस्त बना दिया मैंने, अब देखो क्या घटिया चीजें बना रखी। और भाई इस वर्ल्ड लेवल पर डायमंड बीकन भी है, हाँ देखो तीन लेयर भाई, तीन लेयर कम्प्लीट है पूरी, बस नीचे वाली नहीं है, बाकी भाई कम्प्लीट डायमंड बीकन बना रखा है, बस एक लेयर छोड़ के। बाकी देखो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो कि मैंने आज तक इसके अलावा और किसी वर्ल्ड में नहीं बनाई, भाई इतनी तगड़ी चीज मैंने बनाई थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा था भाई मैंने क्या ही बना दिया, जो कि था ये सिनेमा हॉल, ये तो टट्टी है, पीवीआर बनाया था तुम्हारे भाई ने, जो कि अब तो ऐसा लग रहा क्या गोबर बना रखा है मैंने। बाकी तुम में से जो ओपी लोग हैं ना उन्हें ये देख के समझ तो आ ही रहा होगा ये कौन सी जगह है, कमेंट्स में बताना। बाकी ये हमारा ट्री हाउस था जो कि मैंने टेप के ही बनाया था, बाकी ये सब चीजें भाई नॉर्मल ही है, बाकी इतना ही मैंने इस वर्ल्ड में बनाया, काफी मतलब मेहनत लगी थी इस वर्ल्ड को बनाने में, सारी मेहनत में आग लगने वाली है अब। भाई देख रहे हो यहाँ पर मेरे सल्कर बॉक्स में सामान भी रखा हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ बनाने वाला था, सामान कलेक्ट करके छोड़ दिया बस मैंने। बाकी मैं यहाँ से सल्कर बॉक्स ले लेता हूँ ताकि मैं गन पाउडर इजीली जमा कर सकूँ, और यहाँ से एकदम एंट्री लेंगे अपने। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई यार। और फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जिसके लिए मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ, वो भी पूरे 2 साल बाद। जी हाँ, इस वर्ल्ड को उड़ाने के लिए, जैसे कि रोनी भाई ने हीरो ब्राइन SMP को उड़ा दिया था, वैसे आज मैं इस वर्ल्ड को उड़ाने वाला हूँ। पर रोनी भाई ने हीरो ब्राइन SMP को TNT वाली मशीन से उड़ाया था, पर तुम्हारा भाई अपने इस प्यारे से वर्ल्ड को अपने हाथों से बने हुए TNT से उड़ाने वाला है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारा गन पाउडर कलेक्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास ढेर सारी सेंड वगैरह भी थी, तो मैंने फटाफट से अपने लिए यहाँ पर ढेर सारे TNT बना लिए। और बाकी अब मैं इस प्यारे अपने वर्ल्ड को, जिसका नाम अपना वर्ल्ड था, इसको मैं पराया बनाने वाला, मतलब उड़ाने की बारी अब आ चुकी थी, बस एक लास्ट बार आखिरी बार मैं अपने इस प्यारे से वर्ल्ड को उड़ के एकदम अच्छे से देख रहा था। पर अपने इस वर्ल्ड को अब हीरो ब्रेन SMP की तरफ बनाना है तो मुझे इसको नष्ट करना पड़ेगा, हीरो ब्रेन SMP तो खत्म हो चुकी है ना, वैसे ये वर्ल्ड भी अब खत्म होने वाला है। और फाइनली सारे TNT प्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं देख रहा था कि कोई जगह रह तो नहीं गई, जगह तो बाकी नहीं थी, लेकिन मैंने जरूर लग दिया तुमसे ना हो पाया। और TNT में आग लगाने के लिए मैं कोई भी फ्लिंट का यूज करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ अपनी इस आग उगलती हुई बो का, पर निशाने परफेक्ट लगेंगे तो TNT तो उड़ ही जाएंगे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर अब वो टाइम आ गया। ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने अपने वर्ल्ड को उड़ा दिया, इतनी मेहनत की थी मैंने इस वर्ल्ड पे, इस वर्ल्ड ने मुझे माइनक्राफ्ट खेलना सिखाया था, पर मैंने उड़ा दिया, किस लिए उड़ा दिया मैंने,
क्यों भाई क्यों, आखिर क्यों? अपना वर्ल्ड तो उड़ गया, अब मौत की बारी है।